गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग. सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन. थैंक यू मैम. तो आज की गतिविधि का नाम है साथी की अच्छी बात. अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, मैं आपको स्लिप्स दूंगी और आप अपने साथी की, अपने जो आपके साथ बैठे हैं, आपकी दोस्त, आपकी सहेली, उसके बारे में कुछ अच्छी बातें लिखिए. वैसे हम नहीं सोच पाते हैं कि दूसरे में क्या अच्छाई है, लेकिन अगर हम बैठेंगे, हम सोचेंगे, तो कुछ ना कुछ अच्छी बात हर किसी में होती है. हम लोगों को मैम ने कहा था कि मैं तुम्हें एक स्लिप्स दे रही हूँ, सबको अपने अपने फ्रेंड की गुड क्वालिटीज लिखो. बिल्कुल ऑनेस्टली लिखना बेटे. तो हमने एक दूसरे की गुड क्वालिटीज लिखी थी. फिर उसके बाद मैम ने हमें बताया था कि गुड क्वालिटीज से मतलब तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है. तो हमने बोला था कि हमारी फ्रेंडशिप बढ़ रही है, तब हमें अच्छा लगा था क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी उसने मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा था. नो मैम, जब भी जैसे कभी हमारी लड़ाई होती है तो अगर हम उसकी गुड क्वालिटीज़ रिमाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने कोई मतलब उसकी गुड क्वालिटीज़ जो हमने उसे बताई थी तो हम उसकी कमियाँ क्यों निकाल रहे हैं. तो हमें उसकी गुड क्वालिटीज़ पता चलेंगे और हम उसे फिर जाके सॉरी मांगेंगे और फिर हमारी फ्रेंडशिप वैसे की वैसी ही हो जाएगी. तो मैम ने कहा था कि तुम जब भी लड़ाई करोगे इसे करोगे ना. हमने कहा था यस. पेरेंट्स पहले आर्ग्यूमेंट्स करते थे और मतलब छोटी छोटी बातों पे लड़ना स्टार्ट हो जाते थे. मैम जैसे पहले आर्ग्यूमेंट्स होती थी तो हम भी थोड़ा सैड सैड रहते थे और पढ़ाई में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे. जब ये स्कूल से ये एक्टिविटी सीख के आई उसी दिन उसने हमारे साथ ये शेयर करी. मैं रात को आया 11:30 बजे, खाना वगैरह बना नहीं पड़ा था तो उस वजह से मैं इनसे झगड़ा करने लग गया. तो मुझे जसलीन ने समझाया कि पापा आप 5 मिनट रुक के भी तो ले सकते हो खाना, इतनी हबड़ ताबड़ किस लिए. तो उसने मुझे समझाया कि पापा इन बातों से घर में झगड़ा होता है ये. और उसने बहुत उसी टाइम हम सारे हंसने लगे हैप्पीनेस से. मतलब कोई हैप्पी इतना नहीं रह पाता, अपने अपने काम में स्ट्रेसफुल होके वो रहते हैं ना, कोई हैप्पीनेस करते हैं हमारे जैसे. तो उनको मैं बताना चाहूँगी. सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि कोई है बच्चा जो हमें भी समझा सकता है, नहीं तो हम तो आपस में ऐसे लड़ते झगड़ते रहते थे कि बड़े समझाते हैं बच्चों को, मगर आजकल के बच्चे समझा रहे हैं. और मैं इस हैप्पीनेस का बड़ा वो हूँ एक्टिव का जिसने हमारे स्कूल में करवा के बच्चों ने हमें सिखाया. तो उनसे उनका मतलब रिलेशनशिप बहुत अच्छा हुआ था. तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है. अगर मेरे पेरेंट्स में चेंज आया तो शायद सब में चेंज आ सकता है.